हेलो, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार रौनक और ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2022 और आज हम लोग जगदेव बाबू का जयंती मना रहे हैं। तो अभी इधर हम लोगों का व्यवस्था हुआ है, अभी थोड़े ही देर में हम लोग जगदेव बाबू का जयंती मनाएंगे, उनको नमन करेंगे। जन्मदिन के अवसर पर हम लोग दीपोत्सव करेंगे। हमारे गार्जियन उमेश सिंह कुशवाहा जी पूर्व जिला परिषद हैं और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि दीपोत्सव का कार्य करें। वीडियो तैयार कर रहे थे क्या? जी हमें तो हवा सब लोग एक साथ आ जाइए। सब लोग एक साथ ही कर रहे हैं। हो जाइए पहले आठ कॉल। ताली एक और वीडियो नंबर एक चाहिए। ताली की बढ़ने में बहादुर को देंगे। पुष्प अर्पण करते हुए सभी सब लोग फूल पुष्प अर्पण करके जगदेव बाबू को हम सब नमन कर रहे हैं। जय बाबू को हमारा है। जय बाबू हमारा है। जय बाबू को हमारा है। आवे क्या? भारत लेनी जगदेव बाबू के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप तमाम उपस्थित साथीगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जगदेव बाबू की जन्मदिन यानी आज से ठीक 100 वर्ष पहले आज ही के दिन 2 फरवरी 1922 को जगदेव बाबू का जन्म हुआ था। आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी जो कृतियां हैं, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, इस देश के दलित वंचित पिछड़े समाज के लिए जो इन्होंने कर दिखाया, उसकी बनादौलत आज हम सब यहां पर खड़े हैं। इसलिए आज हम इनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, इनको आज याद करेंगे। ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि इस धरती पर बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन सभी की जयंतियां नहीं मनाई जाती है, सभी की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या था जिनको आज हम याद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिस समय जगदेव बाबू का जन्म हुआ था, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था। अंग्रेजों के हाथों हमारा भारत गुलाम था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए
कि भारत में सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा गुलामी नहीं थी, यहाँ के उच्च तबके के लोगों का द्वारा दिया हुआ ये अतिरिक्त गुलामी हमारे पीढ़ियों को झेलनी पड़ती थी। अंग्रेज के गुलाम तो थे ही हम लोग, यहाँ के जो उच्च जाति के लोग थे उनके भी एक अलग से गुलामी हम लोगों की थी, जिसका असर हमारे समाज के लोगों पर था। यहाँ तक कि हमारे समाज के लोग इन जातियों की गुलामी करते करते अपना सब कुछ गंवा चुके थे। उनका शोषण इस कदर बढ़ गया था कि हमारे समाज के लोग उसके विरोध करने के काबिल भी नहीं थे। वो मनमानी तरीके से हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते थे, उसका शोषण करते थे। और उसी समय में जगदेव बाबू का जन्म हुआ। जब इन्होंने पढ़ाई पूरी की तो तरह तरह के उच्च जाति के लोगों का अधिकार सहना पड़ा। हर जुल जुल से टकराते हुए आगे बढ़े और अंत में उन्होंने निर्णय किया कि हम अपने तमाम समाज के लोगों को इस दलदल से निकालेंगे, एक सशक्त समाज बनाएंगे और हमारे समाज के लोग जो 90% तबका के लोग हैं, जो आज भी दबे कुचले हैं, इनके शोषण के शिकार हैं, इन सबको मैं आगे लाऊंगा। और ये मुट्ठी भर लोग जिनकी हुकूमत में हमारे समाज के लोग पीछे जा रहे हैं उनसे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। और इसी सोच के साथ जगदेव बाबू ने शोषित समाज दल की स्थापना की और उन तमाम लोगों को ललकारा जो लोग सदियों से प्रताड़ित हो रहे थे, जुर्म और अत्याचार के शिकार थे, उन सभी लोगों को जगाने का काम किया। जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया कि ये जो 90% लोग हैं, दलित पिछड़े जो लोग हैं, जिनको मुट्ठी भर लोग अपने मुट्ठी के गुलाम बना के रखे हैं, इनसे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि यह हमारी लड़ाई साधारण नहीं है। मैं जिस लड़ाई को अंजाम दे रहा हूं इसमें हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, अंत तक तो जीत हमारी ही होगी। और जगदेव बाबू के इस आह्वान को उच्च जाति के लोगों के बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा कि जिस समाज के लोगों को हम सदियों से दबा कर रखे हैं, एक जगदेव कुशवाहा एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अभी सभी लोगों को जागरूक कर देगा, सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर देगा। इसलिए हमारे समाज के लिए घातक है कि वे लोग नहीं चाहते हैं कि जिन समाज के लोगों को सदियों से हमने प्रताड़ित किया है वे लोग आगे बढ़े, वे लोग शिक्षित बढ़े, वे लोग अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक हो। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत जगदेव बाबू को मारने का उन लोगों ने फैसला कर लिया और इसमें सरकार का पूर्ण रूपेण साजिश था। जगदेव बाबू 5 सितंबर 1974 को गुर्था प्रखंड के परिसर में आंदोलन कर रहे थे, सभा कर रहे थे। उसी समय इन सरकारी साजिशों के तहत, हालांकि उच्च वर्ग के लोगों की ही सत्ता में भागीदारी आज भी है, उन लोगों ने जगदेव बाबू की हत्या करने की साजिश रची और उसी सभा में जगदेव बाबू के हत्या का प्लान बनाया गया और निर्मम तरीके से उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे समाज के लोग
जिस हक और अधिकार के लिए जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे हैं, वो हमारे हक और अधिकार आज ही उन्हीं लोगों के हाथों दफन हो गई है। जगदेव बाबू जिस लड़ाई की अंजाम देने चले थे, उनकी मृत्यु के साथ ही उन लोगों की मनोकामना पूरी हो गई और हमारी लड़ाई ज्यों की त्यों उसी जगह स्थगित हो गई। जगदेव बाबू के मरने के बाद हमारे तमाम पिछड़ी जाति के लोग, एससी एसटी के लोग का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा और हमारी लड़ाई अधूरी रह गई। इसलिए आज हम उनके जन्म शताब्दी पर उन्हें हम याद करते हैं और हम संकल्प लेंगे कि जगदेव बाबू आपकी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। हम लोग एक एक लोग जगदेव बाबू बनने को तैयार हैं। जगदेव बाबू की जो लड़ाई अधूरी थी, हम उन्हें पूरा करेंगे। और देश के तमाम वैसे लोग जो लोग आज भी अपने हक और अधिकार से वंचित हैं, जिन्हें आज भी सताया जा रहा है, जोर जुल्म से दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ हम आवाज बनेंगे और उन सब का हक और अधिकार दिलाएंगे। जगदेव बाबू के जन्म तिथि पर हम इसी संकल्प के साथ आप सबके साथ संकल्प लेंगे कि जगदेव बाबू का जो सपना था वो पूरा करेंगे और हम लगातार अपने समुदाय में जगदेव बाबू के व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश करेंगे। यानी हर गांव में, हर मोहल्ले में हम जगदेव बाबू पैदा करेंगे, ताकि आज के बाद हमारे समाज के लोगों को कभी शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। तो अभी जगदेव बाबू का जयंती समाप्त हुआ, हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।